हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। हालांकि बी कॉम का बहुत ज्यादा तो अभी नया कोर्सेज जो लॉन्च हुआ है उसके उसके एग्जाम्स नहीं हुए, बट प्रीवियसली ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, राइट? तो ये पूछे जा चुके हैं पहले, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं जो कि खासकर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके ये जो इग्नू बीकॉम का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको फिर इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा एक छोटा सा मेंबरशिप फी है जिसको पे करके, जैसे आप ट्यूशन के लिए फी पेमेंट करते हैं वैसे यहाँ पे एक रिकरिंग पेमेंट फी जो है आपको लगेगा जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक तरीके से वापस कर दिया जाएगा बाय गिविंग 24/7 सर्विसेज। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको एक रुपए भी इसके लिए असाइनमेंट्स के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट्स का ही कॉस्ट तकरीबन 100 रुपए 200 रुपए करके पर पेपर लोग चार्ज करते हैं, बट दैट्स गोइंग टू बी लाइक फ्री फॉर यू, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गेट आवर नोट्स फॉर रुपीज लेस देन 40% डिस्काउंट, जो भी प्राइस होगा उसका 40% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। सो दीज आर द थ्री बेनिफिट्स यू विल गेट, मेजर बेनिफिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल मी फॉर एनी गाइडेंस एंड कंसल्टेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक इफ यू हैव एनी इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आस्क मी टू मेक एनी वीडियो, लाइक ऑन डिमांड लेक्चर्स फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल विद दिस मेंबरशिप, राइट? सो ये बात हो गई। अब इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओ। यहाँ पे आपको इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है। आप चूंकि नए नए कोर्सेज में इनरोल करा है आपने तो इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या, सारी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के अंदर ढेर सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे अपलोड भी कर रहा हूँ। जहाँ कम है हो सकता है जब आप चेक करो तो और भी ज्यादा हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा एज सून एज पॉसिबल, एंड आपको जो एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे पॉइंट्स और बेसिस दिया हुआ है डिफरेंस का, तो इनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, साथ ही साथ फिर तीनों के बारे में भी हम एक एक करके करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो हमारा है सबसे पहला, इसको पिंक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है फॉर्मेशन, ठीक है ना? तो फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो अमलगमेशन के केस में क्या होता है, अमलगमेशन के केस में होता है कि एक नई कंपनी फॉर्म होती है, पुरानी कंपनी के साथ मिल करके, टू एग्जिस्टिंग कंपनीज मिल करके आपस में एक नई कंपनी बनाती है, उसे हम कहते हैं अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक पुरानी कंपनी जो है किसी और पुरानी कंपनी को एब्जॉर्व कर लेती है, उसके एसेट्स को, लाइबिलिटीज को अपने अंडर में ले लेती है बाय गिविंग देम सम कंपनसेशन, मतलब उनको कुछ अमाउंट देकर के वो लोग जो है पूरी की पूरी कंपनी अपने अंडर में कर लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में होता है कि कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंपनी में 50 मेंबर थे, सबको बाहर निकाला गया, अंदर लिया गया, शेयर्स को जो है उनके एक्वायर कर लिया गया। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर किया गया, मर्जी से किया गया, एक तरह से इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, है ना? बिल्डिंग को फिर से तैयार करना, कंपनी को फिर से तैयार करना, इट्स लाइक रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो लाइक कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। तो काफी आसान है। अब बात होती है लिक्विडेशन की, कि आप लिक्विडेट किस तरीके से करोगे। तो ऑल द कंपनीज विच गो फॉर अमलगमेशन आर लिक्विडेटेड, तो जो भी कंपनी लिक्विडेशन के लिए जाती है, आई मीन अमलगमेशन के लिए जाती है, इसका मतलब है कि उसका लिक्विडेशन हो गया, वो ऑलरेडी कंपनी बिक गई है किसी और कंपनी को और फिर मिल करके वो साथ में एक नई कंपनी बना रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, वोडाफोन और आइडिया, वी का जैसे एक था, तो वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी थी जिसको, जिसमें वोडाफोन का जो लॉस है वो बहुत ही ज्यादा था, इन दोनों ने आपस में मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसका नाम हो गया वी, है ना? ठीक है, वोडाफोन आइडिया मिलकर के हो गया वी, राइट? आपको पता ही होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जो जो छोटी कंपनी जो वोडाफोन थी उसका उसका लिक्विडेशन ऑलरेडी हो गया क्योंकि वो मिल गई वोडाफोन के साथ, आई मीन आइडिया के साथ, है ना? तो इनका लिक्विडेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, द कंपनी हुज बिजनेस इज परचेज्ड बाय अनदर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, है ना? तो जिस कंपनी का बिजनेस आप परचेज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती, एक कंपनी पुरानी किसी कंपनी को जिसका लाइक चल नहीं रहा होता ठीक तरीके से बिजनेस, उसको एक्वायर कर देती है, उसको परचेज कर लेती है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में वही बोला गया कि लिक्विडेशन तभी आपका हो जाएगा जब आप उस कंपनी को एक्वायर कर लोगे। तो जो भी कंपनी एब्जॉर्प्शन के तहत जब किसी कंपनी को एक्वायर करती है, उसका बिजनेस को परचेज कर लेती है, इसका मतलब उसका लिक्विडेशन हो गया, वो कंपनी एक तरह से लिक्विडिफाई होगी, खत्म हो गई, ठीक है? रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, The company which is reconstructed goes into liquidation. अब जिस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होना है वो लिक्विडेशन में जाता है,
ठीक है, तो लिक्विडेशन के केसेस में जिस जिस कंपनी के साथ एमलगमेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या जिसका रिकंस्ट्रक्शन होगा, वही सारी कंपनी जो है लिक्विडिफाई होंगी, उन्हीं को लिक्विडेट किया जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल द इन्वॉल्व्ड कंपनीज इज सेम। एमलगमेशन के केस में जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो सारी कंपनीज का सेम होता है। एब्जॉर्प्शन केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक कंपनी कंप्लीटली दूसरी कंपनी को परचेज कर ले रही है ना। सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अब्सॉर्बिंग कंपनी इज कंपैरेटिवली साउंड देन द एब्जॉर्ब्ड कंपनी। सिंपल सी बात है कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है कंपनी है ना, उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसकी पावर कम होगी। पावर क्या, उसके पास कुछ होगा ही नहीं, वो कंपनी एकदम ही खत्म हो जाएगी, है ना। सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी इज कंपैरेटिवली साउंड देन द एब्जॉर्ब्ड कंपनी, है ना। तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन केस में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओल्ड कंपनी इज बैड एंड यूजुअली कंसिडर एज द सिक यूनिट। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है रिकंस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि प्रीवियसली जो कंपनी काम कर रही थी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, उसमें आपको चेंजेस करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। मतलब जो पुरानी यूनिट थी, पुराना जो जो फाइनेंशियल पोजीशन था कंपनी का, वो अच्छा नहीं था और उसको फिर बेहतर बनाने के लिए आपने रिकंस्ट्रक्शन करा, है ना। तो जो सिक यूनिट थी, जो खराब यूनिट थी, आपको उसने तैयार करा बाई वे ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द कंपनी, है ना। ऑब्जेक्टिव, एमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, एमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव होता है टू एलिमिनेट द कंपटीशन अमंग द एमलगमेटेड कंपनीज। तो जो एमलगमेटेड कंपनीज होगी उनके साथ जो आपका एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन को एंड करना, कंपटीशन को एंड करने के लिए ही जो कंपनीज का एमलगमेशन होता है। जैसे वोडाफोन आइडिया का हुआ, ये लोग आपस में कम्पीट कर रही थी और यहाँ पे ये कम्पीट कर रही थी जियो के साथ, एयरटेल के साथ, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो ये आपस में एमलगमेट कर गई, है ना। एमलगमेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, टू एक्सपैंड द बिजनेस, है ना, टू एक्सपैंड द बिजनेस एंड टू अचीव द इकोनॉमीज फॉर लार्ज ऑफ स्केल, फॉर इकोनॉमीज ऑफ लार्जर स्केल प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, बिजनेस को और यू नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फायदा होता है वो दिलाने के लिए यहाँ पे एक तरीके से कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के, रिकंस्ट्रक्शन के केस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू राइट ऑफ द एक्युमुलेटेड लॉसेस, जो पिछले साल से जो लॉसेस होती हुई चली आई हैं, जो जमा है, उन सब लॉसेस को एक तरीके से राइट ऑफ करना, हटा देना, एंड ऑफरिंग द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस टू द शेयर होल्डर। और जो कंपनी का रियल वर्थ है, कंपनी की जो रियल वैल्यू है, वो वैल्यू शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना, शेयर होल्डर्स को वो वैल्यू देना, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है तीनों का। नाउ पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, अगर हम एमलगमेटेड कंपनी की बात करेंगे तो पोजीशन क्या होगा शेयर होल्डर्स का, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द एमलगमेटेड कंपनीज बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी। तो जैसे मेरे पास अगर वोडाफोन के शेयर है, वोडाफोन आइडिया मिलकर वी हो गया, तो मेरे पास जितने शेयर वोडाफोन के थे मिल करके अब वी के उतने शेयर हो गए हैं। तो जो शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स होंगे एमलगमेटेड कंपनी के, वही शेयर होल्डर्स बच जाएंगे जो नई कंपनी होगी उसकी, समझ रहे हो। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी मे बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। अब यहाँ पे मे बोला है ना, मे जरूरी नहीं है कि भाई बन ही जाएगा, बन सकते हैं, ठीक है ना। सो शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी मे बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। जो परचेज, जो कंपनी परचेज कर रही है आपकी कंपनी को, आप उसके शेयर होल्डर्स बन सकते हो, ऐसे चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको सेलिंग कंपनी का शेयर होल्डर होना जरूरी होगा। रिकंस्ट्रक्शन के केस में most of the shareholders of the old company continue to be the shareholders of the new company with the proportionate share. तो reconstruction में तो कुछ खास हुआ नहीं, shareholders तो वही हैं, company को सिर्फ एक तरीके से reconstruct किया गया by writing off their debts, by you know changing some key managers and CEOs आप बोल सकते हो। तो उस केस में जो company के जो shareholders होते हैं ना, वो company के shareholders वैसे ही रहते हैं, कुछ उसमें बदलता नहीं है, company भी उसी नाम से रहती है। तो जो पुराने shareholders है तो होते हैं, वही नए shareholders भी होते हैं। So these are the few points of differences between the amalgamation, absorption and reconstruction. I hope कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत important था और मैंने ठीक तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको डाउट है, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा हमारे मेंबरशिप प्लान को लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।